Hello everyone, welcome back to my channel Pharmacy with Priya. So this is the second part of our lecture Aquasomes and this is the continuation of that. तो आज इसके आगे का पोर्शन पढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हमने पढ़ा था एक्वासोम्स होते क्या हैं। मैंने आप लोगों को बताया था 3 लेयर्ड सेल्फ असेंबल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। 3 लेयर्स मतलब क्या, अंदर एक आपका कोर होगा, उसके ऊपर कोटिंग होगी ओलिगोमेरिक फिल्म की और उसके ऊपर एडसॉर्प्शन होगी बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की, है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि बॉन्ड्स कौन कौन से इसमें काम करेंगे, नॉन कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड्स। सॉलिड कोर का क्या फंक्शन रहेगा, वो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देगा। कार्बोहाइड्रेट कोटिंग का क्या फंक्शन रहेगा, वो डिहाइड्रेशन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि एक्वासोम्स कैसे होते हैं, लाइक बॉडीज ऑफ वाटर, और उनकी ये वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं यही क्या करती हैं, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करती हैं फ्रेजाइल बायोमोलिक्यूल्स को, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या कहा था कि एंजाइम्स हुए, हॉर्मोन्स हुए, ये सब की डिलीवरी हम एक्वासोम्स के थ्रू करा सकते हैं। नाउ ये पूरा आपको डायग्राम समझाया था, तो इसे अब मैं दोबारा नहीं बता रही इतना, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि ये अंतर कोर हो गया, उसके ऊपर ओलिगोमेरिक हो गया, ये अंदर ओलिगोमेरिक हो गया, उसके ऊपर सेरेमिक या पॉलीमेरिक कोर हो गया और फिर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ असेंबली, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको। यहाँ पे ये था आपका, एक और बार आप लोग देख लो, ये जो कोर है solid phase nanocrystal core coated with oligomeric film to which biochemically active molecules are adsorbed। इस डायग्राम में देख लीजिए चाहे आप, सॉरी इसमें देख लीजिए, जैसे सॉलिड कोर है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी दे रहा है, ये ड्रग मॉलिक्यूल है जो, और ये जो पर्पल वाला है कार्बोहाइड्रेट का लेयर है। तो वही चीज़ यहाँ दिखाई गई है, अंदर एक ये लेयर, फिर ये लेयर, फिर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब प्रिंसिपल पढ़ा था सेल्फ असेंबली का, बोला था कि 3 फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, उसके थ्रू होता है इंटरेक्शन ऑफ चार्ज ग्रुप, डिहाइड्रेशन इफेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। अब इसके आगे हमने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसको बस हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था, अभी डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो 3 स्टेप्स के थ्रू एक्वासोम्स जो है प्रिपेयर होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको कोर बनाना है, तो फॉर्मेशन ऑफ एन इनऑर्गेनिक कोर। सेकंड स्टेप क्या होगा, हमें उसकी कोटिंग करनी है पॉलीहाइड्रोक्सी ओलिगोमर से, है ना। यहाँ पे आपने पढ़ा था ना, पॉलीहाइड्रोक्सी ओलिगोमर कहाँ गया, ये रहा, कोटेड विद ओलिगोमेरिक फिल्म, तो वही वाली चीज़ यहाँ पर है, ठीक। अब आपको इसकी कोटिंग करनी है, उसके बाद आपको लोड कर देना है अपना ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस मतलब होता है कि जो ड्रग आप चाहते हो एक्वासोम्स में लोड करना, तो वही ये यहाँ पे स्टेप्स के थ्रू दिखाया। एक बार इस डायग्राम से समझ लेते हैं, देखिए कैल्शियम फोस्फेट, ब्रूशाइट और हाइड्रोक्सीएपेटाइट और सेरेमिक डायमंड, इसकी हम कोटिंग कराएंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड से, उसके बाद ड्रग का एडसॉर्प्शन कराएंगे। 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। ये आ गया आपका ड्रग, ये आ गया आपका पूरा अंदर वाला कोर और ये हो गया कोट। तो सेरेमिक कोर, कोटेड कोर एंड ड्रग लोडेड एक्वासोम, ये हुआ वो पोर्शन, क्लियर है ना। अब आते हैं हम इसकी डिटेल में, फॉर्मेशन ऑफ एन इनऑर्गेनिक कोर। ये जो इनऑर्गेनिक कोर है भाई, ये कैसे फॉर्म होता है। दिस स्टेज मेनली डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर कोर, इट्स फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, इट इज फैब्रिकेटेड बाय सोनिकेशन, कॉलोइडल प्रेसिपिटेशन। सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए, ये जो कह रहा है कि जो आपका कोर बनेगा उसका मटेरियल कैसा सेलेक्ट करोगे, कोर का मटेरियल जो आप सेलेक्ट करोगे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मद्देनजर रखते हुए करोगे, कंसिडर करते हुए करोगे। और वो फैब्रिकेट किससे करोगे, सोनिकेशन से, कॉलोइडल प्रेसिपिटेशन से। इट इन्वॉल्व्स फैब्रिकेशन ऑफ अ सेरेमिक कोर and the procedure depends upon the material selected। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई। The 2 most commonly used ceramic cores are कैल्शियम फोस्फेट एंड डायमंड। ये वाले कोर हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, कौन से कोर, कैल्शियम फोस्फेट और डायमंड कोर। अब सिंथेसिस ऑफ नैनो क्रिस्टलाइन टिन ऑक्साइड कोर सिरेमिक, इट कैन बी सिंथेसाइज बाय डायरेक्ट करंट रिएक्टिव मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग। हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं इसको? डायरेक्ट करंट रिएक्टिव मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ये एक प्रोसीजर का नाम है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये थोड़ी सी अनक्लियर है, मैंने ट्राई भी किया इसकी एक क्लियर इमेज लेने का, सॉरी अगर आपको कम विजिबल होगा तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं इसको ऐसे जूम इन जूम आउट करके आप लोग को समझा देती हूँ। 3 inches target of high purity tin is sputtered in high pressurized gas mixture of argon and oxygen। आप आर्गन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेंगे, बहुत ही हाई प्रेशराइज मिक्सचर, उसमें आप क्या डालेंगे? टारगेट ऑफ हाई प्योरिटी टिन, उसमें आप टिन डाल देंगे, ठीक है। फिर उसको ऐसे स्पटर कराएंगे, गैस में जब वो जाएगा तो स्पटर करने लगेगा, स्पटर मतलब ऐसे ऐसे zigzag मूवमेंट करने लगेगा। फिर अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स फॉर्म्ड आर कलेक्टेड ऑन कॉपर ट्यूब्स कोटेड टू 77 डिग्री केल्विन। तो अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, उसको आप कलेक्ट करोगे और कोट करोगे। फिर सेल्फ असेंबल्ड नैनो क्रिस्टलाइन ब्रूशाइट कैल्शियम फोस्फेट डाइहाइड्रेट, ये चीज़ आप लोग को समझ आ रही है मैं क्या बता रही हूँ? यहाँ पे आपने इमेज में देखा था ना, एक मिनट रुकिए मैं आपको बताती हूँ इमेज दोबारा दिखा के। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे थे ना सेरेमिक कोर, कोटेड कोर, तो इन स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं कि हम कैसे बनाएंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। वही चीज़ चल रही है अभी, इनऑर्गेनिक कोर की चीज़ें चल रही हैं, उसके आगे कोटिंग आएगी, अभी कोर की बातें हो रही हैं। अब देखो सेल्फ असेंबल नैनो क्रिस्टलाइन ब्रूशाइट या कैल्शियम फोस्फेट डाइहाइड्रेट, दीज कैन प्रिपेयर्ड बाय कोलॉइडल प्रेसिपिटेशन एंड सोनिकेशन by reacting solution of disodium hydrogen phosphate and CaCl2। हमने बोला ये जो हम नैनो क्रिस्टलाइन ब्रूशाइट बनाएंगे ये कैसे प्रिपेयर करेंगे? कोलॉइडल प्रेसिपिटेशन और सोनिकेशन से। इसमें हम क्या रिएक्ट करेंगे? डाइसोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट और CaCl2 को रिएक्ट करेंगे। फिर नैनो क्रिस्टलाइन कार्बन सिरेमिक या डायमंड पार्टिकल्स, ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि ये पोर्शन ऐसा ही है, इसे समझाने का और कोई तरीका है भी नहीं, इसलिए मैंने डायग्राम्स वगैरह इंक्लूड किया है, तो ट्राई कीजिए इसे समझने का थोड़ा। सेरेमिक मटेरियल्स बीइंग स्ट्रक्चरली हाईली रेगुलर आर मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर कोर फैब्रिकेशन। जो आपका कोर है उसकी फैब्रिकेशन के लिए हम कैसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं? सेरेमिक, जो कि स्ट्रक्चरली हाईली रेगुलर होता है। द हाई डिग्री ऑफ ऑर्डर इन क्रिस्टलाइन सेरेमिक्स एंश्योर्स ओनली अ लिमिटेड इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ एटम्स बिलो द सर्फेस लेयर व्हेन एनी सर्फेस मॉडिफिकेशन इज डन, thus preserving the bulk properties of ceramics। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे थे? नैनो क्रिस्टलाइन कार्बन सिरेमिक या डायमंड पार्टिकल्स। हम कह रहे हैं the high degree of order in crystalline ceramics। आप जो क्रिस्टलाइन सेरेमिक लोगे ये हम क्यों लेते हैं? बिकॉज इट इंश्योर्स ओनली लिमिटेड इफेक्ट, उसके अंदर के जो एटम्स है ना उन पे ये बहुत ही लिमिटेड इफेक्ट करता है, ओके तो इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये प्रिजर्व करके रखता है प्रॉपर्टी सेरेमिक्स वगैरह की और ख़राब नहीं करता उनको। तो इसमें क्या होगा? प्रेसिपिटेटेड कोर्स आर सेंट्रीफ्यूज, फिर उनको वॉश करोगे डिस्टिल्ड वाटर से, फिर उनको रीसस्पेंड करोगे, फिर पास करोगे फाइन मेम्ब्रेन से और कलेक्ट कर लोगे पार्टिकल्स ऑफ डिज़ायर्ड साइज। समझ आ गया? अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, कोटिंग करनी है, ठीक है। अब हमारा आता है कोटिंग ऑफ द कोर विद पॉलीहाइड्रोक्सी ओलिगोमर। आपका कोर बनके तैयार हो गया, अब उसकी कोटिंग भी तो करोगे पॉलीहाइड्रोक्सी ओलिगोमर से। उसमें क्या होगा? एडिशन करोगे पॉलीहाइड्रोक्सी ओलिगोमर का, पहले शॉर्ट में समझ लो, टू अ डिस्पर्शन ऑफ कोर इन अल्ट्रा प्योर H2O। आपने अपना कोर पार्ट कहाँ पर डाला हुआ है? अल्ट्रा प्योर वाटर में। आपने उसमें क्या ऐड करा? पॉलीहाइड्रोक्सी ओलिगोमर, ध्यान से समझना। फिर उसका आपने लायोफिलाइजेशन किया, ठीक है। उसके बाद एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट को रिमूव किया बाय स्टर सेल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये जो चीज़ें मैंने बोली ना, लायोफिलाइजेशन, स्टर सेल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये सब क्या है? ये सब प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो लायोफिलाइजेशन एंड स्टर सेल अल्ट्राफिल्ट्रेशन, पॉलीहाइड्रोक्सी ओलिगोमर लिया, कोर जहाँ पे था H2O में पड़ा हुआ था उसमें ऐड किया, उस दोनों को लायोफिलाइज किया, उसके बाद एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज रिमूव्ड बाय स्टर सेल अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है, शॉर्ट में समझ लिया, आप पढ़ते हैं डिटेल में। इन द सेकेंड स्टेप सेरेमिक कोर्स आर कोटेड विद कार्बोहाइड्रेट, मैंने बता दिया। द कोटिंग इज कैरिड आउट बाय एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू एन एक्वस डिस्पर्जन ऑफ द कोर्स अंडर सोनिकेशन। कोटिंग हम कैसे करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट को ऐड करते हैं एक्वस डिस्पर्जन में। अंडर सोनिकेशन क्या होता है, जैसे सोनिकेशन ना आपकी एक वो होती है, इंस्ट्रूमेंट होती है, उसमें से धीरे धीरे बहुत स्लाइडली आपका वो सोनिकेट होता रहता है। तो मीन्स क्या है, एक मिक्सिंग सी चलती रहती है। तो उसमें आप कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर दोगे। फिर दीज आर देन लायोफिलाइज्ड टू प्रमोट एन इरिवर्सिबल एडसॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन टू द सिरामिक सर्फेस। अनएडसॉर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट इज रिमूव्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब क्या होगा, आप लायोफिलाइजेशन कर दोगे और जिससे एडसॉर्प्शन हो जाए, और जो अनएडसॉर्ब बचा उसको भी तो हटाओगे, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन से हटा देंगे। कॉमनली यूज्ड कोटिंग मटेरियल्स आर सेलोबायोज, सिट्रेट, पिरिडॉक्सिल 5-फोस्फेट, ट्रीहैलोस एंड सक्रोज। क्लियर, कौन कौन से कोटिंग मटेरियल्स हैं, सेलोबायोज, सिट्रेट, पिरिडॉक्सिल 5-फोस्फेट, ट्रीहैलोस एंड सक्रोज। नाउ लोडिंग ऑफ द चॉइस टू डिसअसेंबली, अब हमें ड्रग ऑफ चॉइस भी तो डालना है, सब कुछ चीजें हो गई। तो अब इसमें हम लोड करेंगे इसको, ड्रग को। तो आगे पढ़ते हैं, लोडिंग ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस टू डिसअसेंबली। The final stage involves the loading of the drug to the coated particles by adsorption। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि adsorption से ही मैं load करूंगी, मतलब loading होती है। Now solution of known concentration in pH buffer। आप अपनी ड्रग का known concentration में जैसे जितना भी लेना है बनाओगे और उसको pH buffer में डाल के कोट कराओगे। कोटेड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इनटू इट। डिस्पर्जन इज केप्ट ओवरनाइट और लायोफिलाइज्ड एंड हेंस यू विल रिसीव द एक्वासोम्स। सो दिस कंप्लीट्स द सेकंड लेक्चर ऑफ इट। एक बार क्विक रिवीजन मैं आपको करा देती हूँ इसका कि ये बनते कैसे हैं। भाई देखो, 3 स्टेप्स मैंने बताए। एक कोर था, उसके ऊपर पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड कोट करेगा और उसके बाद आप ड्रग की एडसॉर्प्शन करा दोगे, खत्म बात। इनऑर्गेनिक कोर यहाँ लिखा हुआ है, कोर की मैं पॉलीहाइड्रोक्सी ओलिगोमर से कोटिंग कराऊंगी और लोड करा दूंगी इसके ऊपर फिर ड्रग को। ठीक बात, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। उसके बाद हमने क्या बोला, एक इनऑर्गेनिक कोर है, वो कैसे बनेगा। ये पूरी प्रोसीजर वही थी कि हम कैसे करते हैं, एक तो मटेरियल कैसे सेलेक्ट करते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग करते कैसे हैं, सोनिकेशन, कोलॉइडल प्रेसिपिटेशन से, या फिर हमने ये जो स्पटरिंग वाला पढ़ा था, ये स्पटरिंग कर दोगे जब आप इसकी हाई प्रेशराइज गैस में तो भी ये बन जाते हैं। उसके बाद ये इसके 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, स्टेप्स में क्या क्या था, सेल्फ असेंबल्ड कैसे बनाओगे कोलॉइडल प्रेसिपिटेशन से, और कार्बन सिरामिक वाला था कि हम क्यों लेते हैं, क्योंकि एटम्स की प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करके रखता है। ये पूरा फ्लो चार्ट से कर लेना, बहुत सिंपल है, समझ आ जाएगा। अब क्या होता है, कोटिंग करनी थी। हम कोटिंग कैसे कर रहे थे, कोटिंग कर रहे थे जब वो सोनिकेशन में था, कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर रहे थे, फिर लायोफिलाइज कर रहे थे और अनएडसॉर्ब को सेंट्रीफ्यूगेशन से रिमूव करा रहे थे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए कोटिंग मटीरियल्स के। और लोडिंग कैसे कर रहे थे आप ड्रग की, लोडिंग कर रहे थे, उसका सोल्यूशन बना के डिस्पोजन करके और उसको ओवरनाइट रखे या लायोफिलाइज करके। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द सेकेंड लेक्चर ऑफ एक्वासोम्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थर्ड लेक्चर में हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे जैसे एप्लीकेशंस एंड इवैल्यूएशन। सो आई विल मीट यू अगेन सून गाइज। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड स्टडी प्रॉपर्ली। बाय।